सीएम सुक्खू बोले, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया है। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। नेशनल हाईवे 5 तीसरे दिन भी यातायात के लिए अवरुद्ध, पहाड़ी से लगातार हो रहा भूस्खलन। किन्नौर जिले के नागपा में नेशनल हाईवे 5 पर तीसरे दिन भी वाहनों के पहिए थमे रहे। पहाड़ी से भूस्खलन और चट्टाने गिरने से सामरिक महत्व का नेशनल हाईवे 5 सोमवार शाम से बंद पड़ा है। सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा मलबे में दब गया है। जिला किन्नौर के तीनों खंडों सहित काजा और लाहौल स्पीति की ओर जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। एनएच बाधित होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। मार्ग बाधित होने के कारण कल्पा, निचार और पूह सहित काजा और लाहौल स्पीति की ओर छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। हालांकि पानवी क्लींगी निचार वैकल्पिक मार्ग से केवल छोटे वाहनों की आवाजाही हो पा रही है। हजारों लोग छोटे वाहनों में करीब 6.5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर रहे हैं। खस्ताहाल इस सड़क पर छोटे वाहन जोखिमों भरा सफर तय कर रहे हैं। छोटे भाई के सुरंग में फंसने की खबर सुन दौड़ा आया योगेश, कहा चिंता मत करना। हिमाचल के मंडी निवासी योगेश दिवाली मनाने घर गया था, लेकिन जैसे ही साथियों ने उसके भाई के सुरंग में फंसे होने की सूचना दी तो वह दौड़ पड़ा। मंगलवार को उसने सुरंग के अंदर फंसे अपने छोटे भाई से बात की, जिसमें उसने भाई का हौसला बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करना, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वह जल्द बाहर निकल आएगा। हिमाचल के जिला मंडी निवासी योगेश और विशाल दोनों भाई निर्माणाधीन सिलिक्यारा सुरंग में काम करते हैं। छोटा भाई योगेश जहां शॉर्टक्रिट मशीन का ऑपरेटर है, वहीं बड़ा भाई योगेश हेल्पर का काम करता है। सुरंग में फंसे पिथौरागढ़ के पुष्कर सिंह एरी की सलामती के लिए उसके दोस्त मोहम्मद आरिफ व इनकेश कुमार चिंतित हैं। दोनों ने बताया, पुष्कर सिंह हेल्पर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुष्कर के परिजनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं मिलने से परिजनों से बात नहीं हो पाई है। ऊना और धर्मशाला में सबसे ज्यादा फैला पटाखों का धुआं, प्रदेश में सुधरा दिवाली पर प्रदूषण का स्तर। दिवाली की रात चले पटाखों ने प्रदेश की आबोहवा को दूषित कर दिया। प्रदेश में जिला ऊना और धर्मशाला की हवा सबसे अधिक प्रदूषित हुई है। ऊना का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 153 और धर्मशाला का 140 पहुंच गया। हालांकि शिमला और मनाली का 50 से नीचे रहने वाला AQI भी इस बार बढ़ा है। शिमला का 78 और मनाली का 55 रहा। हालांकि यह संतोषजनक श्रेणी में रहा। पावंटा का 111 मॉडरेट जोन में रहा। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला, पांवटा साहिब की हवा में भी प्रदूषण का जहर घुल गया है। हालांकि दिवाली से दो दिन पहले हुई बारिश ने कुछ हद तक प्रदूषण रोका है। बरोटीवाला, नालागढ़, कालाअंब, परवाणु, डिमटाल, सुंदरनगर का एयर इंडेक्स संतोषजनक जोन में रहा। अमृतसर शिमला के बीच उड़ानें शुरू होने से बढ़ेगा पर्यटन, आज से शुरू होगी विमान सेवा। अमृतसर से शिमला के बीच 16 नवंबर से शुरू होने वाली विमान सेवा से दोनों प्रमुख शहरों के बीच सफर बहुत आसान होने वाला है। सड़क रास्ते करीब 7 घंटे में तय होने वाला 350 किलोमीटर का सफर अब 1 घंटे में तय हो जाएगा। एलायंस एयरलाइन कंपनी के इस ऐलान से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों के सैलानियों और कारोबारियों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। एलायंस एयरलाइन कंपनी ने इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आशीष चौधरी के घर चोरी, एलईडी टीवी और सोने के दो कड़े चुरा ले गए चोर। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर आशीष चौधरी के धनोटू स्थित घर से चोर एक एलईडी टीवी और अलमारी में रखे दो सोने के कड़े चुरा ले गए। घर पर किसी के न होने का फायदा चोरों ने उठाया।
आशीष की माता करीब 3 सप्ताह से अपनी बेटी के पास चंडीगढ़ में हैं। पड़ोसियों ने उन्हें फोन पर उनके घर का गेट खुला होने की सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनोटू थाना में आशीष की माता दुर्गा देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि वह चंडीगढ़ में अपनी बेटी के पास रह रही थी। इस दौरान उन्हें पड़ोसियों का फोन आया कि उनके घर का गेट खुला हुआ है। जब वह लौटी तो पाया कि घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर आशीष के कमरे से LED टीवी के अलावा अलमारी में रखे 2 सोने के कड़े चुरा ले गए हैं। उधर DSP भारत भूषण ने बताया कि थाना धनोटू में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 8 और प्रशिक्षु निकाले, शराब का सेवन करने और छात्रावास नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई। NIT हमीरपुर प्रबंधन ने अनुशासनहीनता और नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को एक छात्रा समेत 8 और प्रशिक्षुओं को 1 साल के लिए छात्रावास से निकाल दिया है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के फैसले पर प्रबंधन ने मुहर लगाई है। आर्किटेक्चर विभाग की 1 छात्रा और BTEC के 5 प्रशिक्षुओं ने बीते 4 नवंबर को शराब का सेवन करने के बाद संस्थान परिसर में प्रवेश किया था। संस्थान के अधिकारियों ने उन्हें मुख्य गेट पर ही पकड़ लिया था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल करवाया। रिपोर्ट में शराब की पुष्टि होने के बाद संस्थान ने इन्हें 7 नवंबर को BOD के समक्ष तलब कर इनका पक्ष सुना। इस दौरान BTEC के 2 अन्य छात्रों को भी, जो छात्रावास नियमों की अवहेलना के दोषी पाए गए थे, उन्हें भी बुलाया गया। इन सभी 8 प्रशिक्षुओं के जवाब संतोषजनक न मिलने पर संस्थान ने 8ों को छात्रावास से 1 साल के लिए बाहर कर दिया है। इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिन प्रशिक्षुओं पर कार्रवाई हुई है उनमें BTEC दोहरी डिग्री के 3, BTEC तृतीय वर्ष के 3, BArk की 1 छात्रा, MArk का 1 छात्र शामिल है। नशे के खिलाफ सरकार का प्रहार, बसें कर रही पान मसाला का प्रचार। प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ प्रहार तो कर रही है, नशा माफिया की संपत्तियां तक जब्त की जा रही हैं, लेकिन सरकारी बसें पान मसाला का प्रचार कर रही हैं। राजधानी शिमला में HRTC की बसों में नशे को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन चस्पा हैं। हैरानी यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में ऐसे सभी विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। शिमला और अन्य जिलों में चल रही HRTC की कई बसों में पान मसाला के विज्ञापनों के पोस्टर लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन निगम को कड़े निर्देश दिए हैं कि बसों में लगने वाले विज्ञापन किसी भी प्रकार के नशों को प्रोत्साहन देने वाले न हों। बावजूद इसके राजधानी शिमला में चल रही परिवहन निगम की बसों में खुलेआम पान मसाले के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। शिमला के पुराना बस अड्डा आने और जाने वाली बसों में इस तरह के पोस्टर लगे हैं। नशीले पदार्थों के विज्ञापन लगाने से युवा इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और नशे की लत में पड़ जाते हैं। शिमला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि बसों पर नशे से संबंधित लगे विज्ञापन जल्द बंद होने चाहिए।